सो हाय गाइस, आप सब कैसे? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक हो। तो यहाँ पर आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, यहाँ पर अगर आप आईफोन यूज़ करते हो तो आपको पता होगा, यहाँ पर आप आईफोन में बैटरी हेल्थ चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर मेरा आईफोन का मैक्सिमम कैपेसिटी है 87%। तो लेकिन यहाँ पर आपको एंड्रॉयड फ़ोन में बैटरी हेल्थ चेक करने का कोई भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। हाँ, मुझे पता है वन प्लस में आपको वैसा वाला ऑप्शन देखने को मिलता है, लेकिन सैमसंग में हो या रियलमी में हो, आपको वैसा वाला ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पर आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आप कैसे आसान तरीके से एंड्रॉयड फ़ोन्स में आपका बैटरी हेल्थ चेक कर सकते हो, और यहाँ पर मैं तीन एग्जांपल भी दिखाने वाला हूँ। तो ये वीडियो पूरा देखो, देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगता है तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू पहले मैं करते एग्जांपल हैं। से शुरू करता हूँ। तो यहाँ पर ये है मेरा पास रियलमी एक्स सेवन मैक्स। रियलमी एक्स सेवन मैक्स में यहाँ पर आप देख सकते हो बैटरी हेल्थ है 61%। ये 3 साल पुराना फ़ोन है, मैंने बहुत अच्छे से यूज़ किया हुआ है। इसका जो मैक्सिमम कैपेसिटी है, जब ये फ़ोन लॉन्च हुआ था इसका मैक्सिमम कैपेसिटी 4500 mAh था, लेकिन अभी आप देख सकते हो बैटरी हेल्थ 61% गिरने के बाद अभी इसका कैपेसिटी है 2666 mAh। वैसे यहाँ पर मेरे पास है सैमसंग का गैलेक्सी F14। तो सैमसंग गैलेक्सी F14 का भी मैक्सिमम कैपेसिटी आप देख सकते हो 5555। इसका जो मैक्सिमम कैपेसिटी जब ये लॉन्च हुआ था 6000 mAh का बैटरी है इसमें, लेकिन अभी 95% अभी बैटरी हेल्थ दिखा रहा है, और यहाँ पर इसका जो मैक्सिमम कैपेसिटी है अभी 5555। वैसे यहाँ पर मेरे पास है सैमसंग गैलेक्सी S21 FE। S21 FE का मैक्सिमम कैपेसिटी है 4500 mAh और बैटरी हेल्थ अभी 96%, और यहाँ पर करंट एस्टिमेटेड कैपेसिटी है 4215 mAh। तो यहाँ पर कुछ इस तरह आप आपके फ़ोन में भी चेक कर सकते हो। तो यहाँ लेकिन पर आप ये ये कैसे चेक करते हैं मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए आपको क्रोम में जाना है। क्रोम में जाने के बाद जो नीचे जो डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट दिया हुआ है वो वेबसाइट में जाना है, एंटीटू का वेबसाइट है, वहाँ पर जाके आपको एंटीटू बेंचमार्क्स डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर ये जो लेटेस्ट वाला है आपको डाउनलोड करना है। अभी जो करंट वर्जन है वह 10.2.4 है, अभी का करंट वर्जन, तो इसे आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बैटरी टेस्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको गॉट इट करना है, उसके बाद चार्जर को लगा के रखना है 30 मिनट्स। एग्जैक्टली 30 मिनट्स आपको लगा के रखना है। लगाने के बाद आपका जो बैटरी का हेल्थ है वो आपको निकाल के देगा कितना आपका बैटरी हेल्थ है। तो यहाँ पर ये वाला आप ज़रूर ट्राई करके देखो, चार्जर को आपको 30 मिनट्स तक लगा के रखना है, तब आपका बैटरी का हेल्थ एस्टिमेट करके आपको बताएगा। तो यहाँ पर ये वाला ज़रूर आप ये वाला ट्रिक ट्राई करके देखो, ट्राई करने के बाद आपका बैटरी हेल्थ कितना है आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो सके। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर लगा तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।